दोस्तों, अगर आप कोई 50-55 हज़ार रुपये खर्च करने के मूड में हैं और आप एक ऐसा कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर आपको एकदम फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस हो, इनफैक्ट एक फ्लैगशिप फ़ोन आप खरीदने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 5-6 ऐसे फ़ोन कवर कर रहे हैं जो अंडर 55,000 या 50,000 आप कह सकते हैं बेस्ट फोन्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देते हैं, जिनके अंदर कैमरा बेस्ट है, जिसके अंदर बैटरी की कोई शिकायत नहीं है, कभी लैग नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, और आपको बहुत तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस भी वो करवा देगा, और आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स जो आपको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है सैमसंग की या फिर जो प्रीमियम आपके फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स एकदम प्रीमियम वाले होते हैं। इसके अंदर कुछ एक आईफोन्स को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सर, फ्लैगशिप फोन जब भी आप खरीदते हैं तब एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप उसको ऑन पेपर या फिर कागज़ के ऊपर या स्पेक्स को कंपेयर नहीं कर सकते, और सीरियसली अगर आप कभी कंपेयर करेंगे तो आप मतलब धोखा ही खाएंगे, क्योंकि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आईफोन को कंपेयर करते हैं जिसके अंदर 4 GB की रैम आती है, वहीं वन प्लस नॉट 30-32 हज़ार का आता है 12-12 GB तक रैम, तो आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर मैं आपका थोड़ा सा जो कष्ट है थोड़ा दूर कर दूंगा। सबसे पहले हम पिक करते हैं वन प्लस 8 Pro को, 6.78 इंच की AMOLED पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन फ्रंट एंड बैक के अंदर, बैक में भी ग्लास है, 120 Hz की रिफ्रेश रेट, एकदम चिकनाहट वाली 5G रेडी ये फोन है, 4500 mAh की बैटरी, 30W की फास्ट चार्जिंग और 30W की ही वायरलेस फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट इसके अंदर है, और आपको 55,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा ये फ़ोन। और इसके अंदर आपको अगर बात करते हैं कैमरा की, 48 MP का मेन शूटर, 8 MP का सेकेंडरी शूटर, 48 MP का ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, और 5 MP का आपका कलर फिल्टर वाला वो लेंस जो उन्होंने अलग से मतलब तबाही मचाई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे फ़ोन की तरफ। ये फ़ोन आपका है MI 10 5G। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बंदे सोचते हैं कि यार मैं कोई Xiaomi का फ़ोन लेना चाहता हूँ, लेकिन जिसके अंदर आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर और कैमरा भी बहुत तगड़ा, वीडियोग्राफिक स्किल्स भी बहुत तगड़ी, 2020 से पहले ये पॉसिबल था नहीं, लेकिन अभी Mi 10 5G आ चुका है। यहाँ अगर मैं कुछ स्पेक्स की इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको Snapdragon 865, 108 MP का कैमरा, टेलीफोटो जूम वाला लेंस, और 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और 2 MP का आपके डेप्थ और आपका पोर्ट्रेट सेंसर, 6.67 इंच का AMOLED पैनल, बहुत बड़ी डिस्प्ले है, 4780 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस फोन के साथ एक थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कि मतलब एड्स थोड़े इन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं, मतलब ऐसे स्पैमी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती उतनी फ्रिक्वेंटली, लेकिन स्टिल यार MIUI है तो थोड़ा बहुत तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ये कॉस्ट कटिंग करेंगे। अराउंड 49-50,000 के आसपास ये फोन आता है, काफ़ी अच्छी डील है अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक कोई फोन चाहिए और कम से कम और खासकर थोड़ा बहुत फोटोग्राफिक स्किल्स भी इसकी ठीक हो, तो इस फोन को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले फोन की तरफ। ये है आपका Realme X50 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, Realme की तरफ से भी काफ़ी तगड़ा ये फ्लैगशिप फोन है। इसके अंदर फ्रंट एंड बैक के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन, बैक के अंदर भी ग्लास है, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ फोन आएगा, फ्रंट के अंदर 2 punch holes आपको देखने को मिलेंगे, 6.44 इंच की फुल HD प्लस AMOLED पैनल, 90 Hz एकदम चिकनाहट वाली Snapdragon 865, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और एकदम बड़ा USB भी है इस फोन का, 64 MP का मेन शूटर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, 12 MP का टेलीफोटो जूम लेंस, जो अभी तक के इस फोन में किसी में भी शायद देखने को नहीं मिला था, और बाकी आपको 2 MP का आपका डेप्थ सेंसर, और 32 MP और 8 MP के 2 selfie कैमरे, 4200 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग, मतलब एक तगड़ा पैकेज है। 48,000 के आसपास ये फ़ोन रहता है, कभी कभी सेल्स और डिस्काउंट्स में कम भी आ जाता है, तो ये भी मतलब काफ़ी तगड़ा फ़ोन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी अगर आप बात करते हैं सैमसंग के या बाकी फ़ोन्स, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा सीरियसली। दूसरा, अब एक सैमसंग का फ़ोन भी पिक कर लेते हैं, सैमसंग S20 Plus। लास्ट ये फ़ोन आया था और इस फ़ोन के अंदर मतलब सीरियसली हर एक वो चीज़ है जो एक प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ये प्रोसेसर के अंदर आज की डेट में हल्का सा आउटडेटेड आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के अंदर इसका आज भी मुकाबला नहीं है। इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन आता है फ्रंट के अंदर, जो आज भी बहुत सारे फ़ोन के अंदर नहीं आता है। शायद सैमसंग का ही फ़ोन है उसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आता है नोट S20 के अंदर, अल्ट्रा के अंदर, बाकी शायद ही मुझे नहीं लगता कि 50,000 तक किसी फोन के अंदर ये आता है। बाकी आपको एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगी, फ्रंट के अंदर आपको 12 punch holes देखने को मिलेगा, बैक के अंदर कैमरा, सेंसर्स, बहुत तगड़ी तगड़ी इसमें चीज़ें डाल दी गई हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लैगशिप फ़ोन सिर्फ कागज़ में ही फ्लैगशिप नहीं होता है, बाकी उसके फीचर्स भी बहुत तगड़े होते हैं, मतलब स्पेक्स कंपेयर नहीं कर सकते आप। Exynos 9820, IP68 सर्टिफिकेशन, 12 MP का मेन सेंसर, 12 MP का टेलीफोटो जूम लेंस और 16 MP का
अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, और फ्रंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के आपको दो पंच होल कैमरास और 4100 mAh की बैटरी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, और ये फ़ोन पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 52,000 के आसपास, और एक्जिनस 9820 का इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, अगर मैं मेंशन करना भूल गया। तो दोस्तों इस फोन के अंदर कुछ एक चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। आप कहेंगे यार 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग, खुद दो फोन भी आपको 65 वॉट या 30 वॉट की दे रहे हैं। दोस्तों यार बाकी चीज़ें जो बहुत तगड़ी हैं, जो आपका इसका हैप्टिक मोटर या जो आपका वाइब्रेशन मोटर का जो फीडबैक है वो बहुत तगड़ा है, बाकी जो इसका UI और सब कुछ, मतलब सीरियसली आपको एकदम अंबानी टाइप फील आएगी सीरियसली। तो सर इतने सारे फ़ोन की हमने बात कर ली 40-50-55,000 रुपए तक के, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन जो आपको अंडर 40,000 या फिर अंडर 50,000 देखने को मिलता है। इस फ़ोन की लॉन्चिंग प्राइस तो 50,000 के आसपास थी, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। फ़ोन का नाम है OnePlus 7T Pro, कंप्लीट 100% आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है इसके अंदर, फ्लूड एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा जो कि बहुत तगड़ा है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 4500 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 855+, 48 मेगापिक्सल का आपका मेन शूटर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम। और दोस्तों वाकई में मतलब इसमें फीचर्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि 2-2 मेगापिक्सल के आपके सेंसर्स चिपका दिए गए और 4-4 कैमरे गिना दिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, खासकर इसके अंदर आपको 4085 mAh की बैटरी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और एक 16 मेगापिक्सल का आपको पॉप सेल्फी कैमरा भी दिया गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको 8GB 256GB की स्टोरेज की प्राइस पड़ेगी 39,999। हाँ, आपको एक ICIC का क्रेडिट कार्ड किसी से उधार लेना पड़ेगा और ऑर्डर करना पड़ेगा, जनरली इसकी प्राइस रहती है 44-45,000 के आसपास। अब दोस्तों इन सारे फ़ोन को इंक्लूड करने के बाद एक दो कुछ iPhones भी इंक्लूड कर लेते हैं यार, क्योंकि iPhone SE और iPhone XR दोनों ऐसे फ़ोन हैं जो 40-45,000 के ब्रैकेट के अंदर आते हैं। iPhone SE की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक तरह से ये हाइब्रिड फ़ोन है, मतलब डिज़ाइन पुराना और अंदर का माल मसाला एकदम नया। इस फ़ोन की एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी मतलब बड़ी हो जाती है, इसके अंदर बैटरी बहुत छोटी है सीरियसली, बाकी सब चीज़ें इसमें एक्सेप्टेबल है। बंदा डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन बैटरी अगर नहीं चल रही है तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट चल अगर आपको एक सेकेंडरी फ़ोन के रूप में, या फिर आप चाहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन का यूज़ नहीं, सिर्फ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस, तो iPhone SE को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि एक थोड़ा सा और बेटर फ़ोन आप ले पाएँ अंडर 50,000, तो iPhone XR 45,000 के आसपास अभी चल रहा है सेल के अंदर। और इस फ़ोन की खास बात यह है कि इसके अंदर बायोनिक A12 चिप है, बहुत तगड़ी फोटोग्राफी ये कर पाता है, और खासकर A12 और A13 के अंदर बहुत ज़्यादा कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज नहीं है स्पीड के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत एक नाइट फोटोग्राफी देखने को मिलेगी आपको iPhone 11 के अंदर, जो कि इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और एक सेकेंडरी शूटर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। अगर आप एक एंड्रॉयड से आईफोन के ऊपर आ रहे हैं तो आप हार्डली कोई परफॉर्मेंस के अंदर या फिर बाकी चीज़ों में कोई डिफरेंस नोट कर पाएंगे। तो दोस्तों यार ये जितने भी फ़ोन थे इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप फटाफट चेकआउट कर सकते हैं। इन पे मैंने कुछ एक पे इंडिपेंडेंट वीडियोज़ भी बना रखे हैं, उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करना, थोड़ा बहुत और भी वीडियोज चैनल पर उनको भी चेकआउट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।